फिलहाल खड़ी हूँ सरसोद के पास गांव जेवरा में, और जेवरा में कल रात के टाइम जो है बड़ा ही एक भयानक मर्डर जो है होया है। कुछ लोग यहाँ एक खड़ी गाड़ी जो हुआ है, यहाँ एक गाड़ी खड़ी हुआ है और आके आठ लोग बताए जान लग रहे हैं, जो अपने हाथों में कसोले और बड़े बड़े लठ लेके आए हैं। और यहाँ एक लड़का खड़ा हुआ है जिसका नाम हुआ है राजेश ब्याण, जिनकी उम्र की अगर बात करा तो शायद 25-30 साल उम्र थी। और अभी रिसेंटली वो ये कुछ है टाइम पहले चंडीगढ़ रोडवेज में लगा था, किसी तरह का कोई भी, जैसा बताया लग रहे हैं भी, किसी तरह का कोई भी ऐब नहीं था उस राजेश के अंदर। बिल्कुल शांत स्वभाव का राजेश जो है जिस टाइम पूरा गाड़ी लेके अपनी खड़ा हुआ है, आठ लोग आए हैं दो बाइकों के ऊपर और उनका हाथा में किसी का कसोला हुआ है बड़ा, किसी का लठ हुए हैं और आंधे ही यहाँ धड़ाधड़ जो है लठ चालन लग जाए हैं। फिलहाल ये जो मिट्टी आप देखने लग रहे हो यहाँ जो है, ये देखो कुछ एक जो अपने अलग भी दिखाई देगी, ये देखो यहाँ इतना ब्लड था रात के टाइम जो जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और लगातार आंधे ही वो जो दो बाइक वाले हुए हैं आठ लोग, वो आंधे ही वार करने शुरू कर दे हैं, लठ जो हैं राजेश के सिर में मारन लग जाए हैं। ऐसे में हालात राजेश के ऐसे हो जाए हैं कि उसकी हॉस्पिटल लेके जाया जावे है, लेकिन उसकी मृत घोषित कर दिया जावे है। आसपास के जो लोग थे, कई लोग जो आए उन्होंने देखा जब यहाँ पर इतना चीख पुकार है, तो आके लोगों ने छुटान का भी काम कराया, हॉस्पिटल ले जाने का काम कराया, लेकिन तब तक राजेश जो है मर चुका था। एक बड़ी बात यह है भी राजेश की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, गाँव के लोग जैसा कहने लग रहे हैं बड़ा शांत स्वभाव का था राजेश। कुछ लोग हैं उनसे बातचीत भी कराएंगे, लेकिन जैसे हमने सूचना मिलने लग रही है चंडीगढ़ रोडवेज में अभी राजेश लगा था। और ये देखो यह वही जगह है जिसमें यहाँ पे लेके आए थे दो बाइक जो कसोले आता हम थे, और ये देखो ये गाड़ी थी उस टाइम में यहाँ खड़ी थी राजेश की गाड़ी, इसी से आप देख सको हो जो शीशे टूट के गिर रहे हैं। लोग जो हैं 504 लोग इकट्ठे हुए हैं और उसे टाइम चीख पुकार सुन के राजेश थी लेके जाया जावे है, लेकिन राजेश जो है अपनी जिंदगी की जंग हार चुका था। थोड़ी देर पहले की अगर बात करें तो यहाँ पर कई लोग ऐसे थे जो यहाँ से जा गए थे, एक तरफ की अगर मैं बात करूँ तो ये देखो यहाँ गौशाला है जेवरा के अंदर। जिस टाइम यह घटना हुई उस टाइम में कुछ एक लोग इकट्ठा हुए थे, और उनमें तो एक गुड़िया भी है जिसने थोड़ा बहुत कुछ देखा। गुड़िया के कुछ जिस टाइम आपने आके देखा, मामे घर पे अंदर थे, मामे बस सोने की तैयारी पे थे और लठ लगन लगे थे, मैंने सोचा कोई दारू पीने लड़ाई मच रही होगी। मामे ने बाहर देखा तो गाड़ी वाले खड़े थे, गाड़ी डाइट रखी थी और मारने लाए थे बाइक वाले। मामे ने किलकी मारी जो बाइक वाले जा लिए थे। अच्छा कितनी बाइक थी? बाइक दो थी, जने आठ थे। आठ जने थे, चार नूने गए हैं, चार नूने गए हैं। अच्छा तो मतलब आप पूरा के आपने देखा है मौके पे भी? मामे अच्छा फिर, लेकिन इतने वे जा लिए थे पाछे तो ये आ गए थे भाई और भाई आ गए थे। तो मतलब कुछ नाम लेन दे हो कुछ ऐसा कहने लग रहे हो या सिर्फ मारने लग रहे थे? मार मुर के गए थे बस। अच्छा तो उस टाइम में हालात के थे जो जिसकी मारने लग रहे थे उसका? वो तो बेहोश से था जी, बेहोश था, उसका सर में वो लग रहा था कसोला, कसोले मारे थे। सारे जने अलग अलग हथियार ले रहे थे, सारे कसोले लठ ले रहे थे बड़े बड़े आपके? अच्छा फिर वे जा लिए थे, मैंने कुवाड़ खोले इतने तो। अच्छा आपने मतलब रोड़ा सुनो दा देखा है? किल की मैंने मारी थी जब बैठे हैं वे। अच्छा हाँ बस इतना, मतलब जिस टाइम में ये सारा रोड़ा आया आपने एकदम पता चला तो आपने एकदम जोर की किल की मारी हुई है, ड्रग के मारे में साइड हो गए थे भी और लोग आ गए। हाँ हाँ ठीक है। तो उस टाइम में उसके बाद फिर वो जो बंदा था उस टाइम फिर हॉस्पिटल ले जाया गया, कोई और आया? हॉस्पिटल लेके गए थे, खुद मामे थे और चार पांच जने हुए थे भाई और। और जब गांव का सरपंच आया था पुराना, नया तो पहुंचा कौन था, पुराना सरपंच आया था, फिर वो आपकी गाड़ी में लेके लेके गया। अच्छा हाँ बस इतने आया है। मरना किसी को और बताने सब के सामने मेरे पास फोन आया है, अरे लिया सोनू का, लिया सोनू का तो कौन नंबर डायल करा दी थी, नंबर डायल करा दे मनोज की आई डी का नंबर आओ था है, वो बता रहे थे जी। अच्छा ताऊ जी बैठे हैं, ताऊ जी तो और बात कर लिया। राम राम ताऊ जी। पूरे गांव के हो? हाँ। जेवरा के। तो रात ने जो घटना हुई है कि मैं सुनी सुनाई है आपने की? मैं तो सुनी बिटी। अच्छा सवेरे ठीक है। मैं तो सुता था। अच्छा ये छोड़ लुक के मारे है हां फिर मां ठीक का है हां वोटन साहब आए है। अच्छा ये पड़ोसी ने सोचे साहब मिल रहा हां फिर देखा ये सब ने बाजी ने बज गए तीन दो बाइक थे छोड़ने पता है। अच्छा ये मुक्का थे। अच्छा इसने रुक के मारे। अच्छा इसने रुक के मारे।
तो गामा में मतलब ये देखो बतावे अभी जमा शरीफ बालक था, इसे गेल कोई वो लेन देन नहीं था, तो मतलब इसे लोगा ने भी जो दुनिया मारन लग गई तो जो उनसे खटेबे करनी है या कुछ की में और है शराबी भाभी उनका के मतलब गांव में एक तरह से मतलब जेवराम बड़ी घटना हो गई, खोटी हुई है, खोटी हो गई और ना बेचारे पहले राजा का खन्नक कड्डू चला रहा फिर सरकारी लग गया चंडीगढ़ जो कल छुट्टिया था। अच्छा काले छुट्टिया हां छोटना भाई दुकान जा रहा वो दुकान पे कितने भाई हैं ये? दो भाई हैं। क्या रखा था ये? नहीं ये शादी थी, शादी रख रखी थी। हाँ गोदगार पर रखी थी। अच्छा ये शादी, ये भी शादी थी। जैसे आप बताने लग रहे हैं आपने सुना भी है सब, तब मतलब किसे तो कोई मतलब नहीं, बड़ा शरीफ सा बच्चा, शरीफ बालक जो पहले जो है खानक लगा हुआ था ड्राइवरी में और अब चंडीगढ़ रोडवेज में लगा था और कल के दिन ही आया था। घटना आपने सुन ली जेवरा जो सरसोद के पास है बरवाड़ा के अंदर, वहाँ की घटना आप देखने लग रहे हो। रात के टाइम में 8 से 9 लोग बताए जाने लग रहे हैं जो कसोलत एक इंसान ने एक शख्स ने काट दे हैं और उसकी मौत हो जाए है। फिलहाल बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है। भी हालात ऐसे बने हुए हैं गांव में, भी सभी लोग चिंता करने लग रहे हैं कि आम आदमी जो बिल्कुल शरीफ घर के बच्चे हैं उनका साथ ऐसा होने लग गया तो भी और पूरा गांव राम फिर किस तरह वो करेगा। तो भी वीडियो पर आपका क्या कहना है वह जरूर बताइए और वीडियो ने शेयर जरूर करिए।